नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन डिश बाय देव में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक बार मूंग दाल की रेसिपी, लेकिन आज की रेसिपी कुछ अलग तरीके से होने वाली है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे पावर पालक को 3 से 4 बार अच्छी तरह धोके उसके बाद में काट लिया है। मैंने यहाँ पे पालक के डंठल का भी इस्तेमाल किया है। ज्यादातर मैं पालक के डंठल के साथ ही कोई भी सब्जी भाजी कुछ भी हो इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे ना डालें। अब हम इसे डाल देंगे कुकर में। साथ में मैंने यहाँ पे लिया एक कटोरी मूंग की दाल, वजन से ये 100 ग्राम है। मैं यहाँ पे बिना धुले डाल रही हूँ क्योंकि ये हमारा घर का बना हुआ फ्रेश है, इसे हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। इसलिए अगर आप बाजार से लाते हैं तो उसे 2 से 3 बार धोकर उसके बाद में इस्तेमाल करें। तो इसे भी हम साथ में डाल देंगे। साथ में मैंने यहाँ पे एक मीडियम आकार का टमाटर को बारीक काट लिया है, इसे भी हम इसी के साथ डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 2 मीडियम आकार का प्याज बारीक काट लिया है, इसे भी हम इसके साथ ही डाल देंगे। आधे चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब हम यहाँ पे लेंगे पानी आवश्यकता अनुसार, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इतना पानी लेना है दाल अच्छी तरह डूब जाए, या फिर अगर आप मीडियम दाल बनाना चाहते हैं तो 1 कटोरी दाल में 4 कटोरी पानी का इस्तेमाल करें, और अगर थोड़ा और पतला तो 5 कटोरी पानी डालें। तो मैं यहाँ पे 4 कटोरी पानी का इस्तेमाल करूंगी। अब हम यहाँ पे कुकर के ढक्कन को बंद करके 2 सीटी आने तक पका लेंगे। मूंग की दाल बहुत ही जल्दी पक कर तैयार हो जाती है, चाहे वो छिलके वाली हो या फिर बिना छिलके वाली। हमने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। अब हम यहाँ पे 1 छोटे चम्मच तेल ले लेंगे, ये खाने वाले जो चम्मच होते हैं ना उससे 2 चम्मच है। साथ में मैं यहाँ पे उसी चम्मच से यानी छोटे चम्मच से 2 चम्मच बिना पिघला हुआ घी है। अगर आप पिघला लेंगे ना तो भी ये इस चम्मच से यानी छोटे चम्मच से 2 चम्मच घी है। घी को अच्छी तरह पिघला लेंगे। घी अच्छे से पिघल चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 लाल सूखी मिर्ची ली है, इसे हम इस तरह तोड़ कर डालेंगे। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं। लाल मिर्ची को हमें डार्क कलर होने तक भून लेना है। जब तक हमारी लाल मिर्ची भून रही है तब तक हमने यहाँ पे एक प्याले ले लिया है। साथ में मैंने यहाँ पे 25 ग्राम जितना बेसन लिया है, इस बेसन को इस प्याले में डालेंगे, और बेसन वाली प्याले से हमें यहाँ पे उसी प्याले से 1 प्याले पानी डाल देंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, हम लेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब हम इन मिश्रण को चम्मच के सहायता से इस तरह अच्छी तरह घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें जरा सा भी गुठली वगैरह नहीं होना चाहिए, जैसे अभी गुठलियां दिख रही है। चम्मच की सहायता से घोल बनाते टाइम इस तरह अच्छी तरह मिला देंगे, घोल यानी घुटनी को फोड़ देंगे ताकि इसमें जरा सा भी गुठली ना बचे, और अगर फिर भी बच जाए तो आप जिस टाइम इसे छौक लगा दें तो उस टाइम इसका जो गुठली है चमचे की सहायता से फोड़ दें। तो जी, हमारे बेसन का घोल बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसे रख देते हैं साइड में। अभी आप देख पा रहे होंगे जब तक हम बेसन के घोल बना रहे थे तब तक हमारा ये जो मिर्ची है इसका कलर बिल्कुल डार्क हो चुके हैं। हमें इसे इतना डार्क करना है, अगर आप इससे ज्यादा डार्क करेंगे तो हमारी मिर्ची जो है वो जल सकती है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। साथ में मैंने यहाँ पे 10 बड़ा लहसुन को बारीक काट लिया है, इसे भी डाल देंगे। 1/2 चम्मच हींग। हम यहाँ पे इन सारे सामग्री को फ्राई कर लेंगे 1.5 मिनट तक धीमे गैस पर। ध्यान रहे इस समय हमें यानी जो मसाला है छौकन का, इसे फ्राई करते वक्त हमें गैस को बिल्कुल ही मीडियम या फिर हाई नहीं करना है, नहीं तो ये जो मसाला है वो जल सकती है। अगर आप इस तरीके से दाल बनाएंगे तो जिनको भी दाल पसंद नहीं है वो भी इस दाल को जरूर पसंद करेंगे, क्योंकि दाल में बेसन का फ्लेवर और उसके साथ ही एक अलग ही फ्लेवर आने वाला है। बेसन डालने से दाल का जो गाढ़ापन है वो भी काफी हद तक हो जाएगी, दाल जो पतली रहती है वो नहीं रहेगी। साथ ही हमने यहाँ पे तेल और घी को मिक्स कर डाला है, तो इस वजह से घी का जो खुशबू है वो बहुत ही बढ़िया आएगी। आप चाहे तो इनमें पूरी तरह से ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऑयल और घी दोनों, या फिर ओनली घी का। हमारे लहसुन सुनहरा हो चुके हैं, तो चलिए अब हम जो घोल बनाकर रखे थे ना अभी बेसन का, उसे डाल देंगे। इस तरीके से दाल की रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं मसाला को डालने के बाद भी इस कटोरे में कितने सारे मसाला लगा हुआ है, तो इसका वेस्ट ना हो इसके लिए यहाँ पे पानी ले लेंगे, ये अच्छा पानी है। चम्मच की सहायता से इसे हम इस तरह से मिलाकर इस प्याले को अच्छी तरह धो लेंगे ताकि इसमें जो भी मसाला लगी हुई है ना वो भी हम इस्तेमाल कर सके, इसका वेस्ट ना हो। अब हम यहाँ पे सारे सामग्री को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, और इस मिश्रण को भी हमें धीमे गैस पर ही कुछ सेकंड के लिए भून लेना है। इसे बहुत ज्यादा नहीं भूनना, और अगर गुठली बन जाती है ना तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें,
आप देख सकते हैं ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा है, लेकिन दाल में जो पानी है ना इससे इसका गाढ़ापन हो जाएगा और ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। किसी को पता भी नहीं लगेगा कि बेसन और दाल का एक साथ दाल बनकर तैयार हुई है। इधर हमारी दाल भी पककर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं चार कटोरी पानी डालने से हमारा दाल इतना गाढ़ा होता है। हमारे मसाला भी पक चुका है तो हम इसमें दाल को डाल देंगे। दाल को एक बार मसाला के साथ में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अगर आपको ये दाल बहुत ज्यादा गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें एक कटोरी पानी का इस्तेमाल और कर सकते हैं, लेकिन ये दाल अगर आपको पतली भी लग रही है ना तो भी ये अभी गाढ़ा हो जाएगा। जैसे जैसे हमारे बेसन इसके साथ मिक्स होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे दाल जो है वो गाढ़ी बनते जाएगी। आप देख लेना ये दाल जब अच्छी तरह से परफेक्ट तरीके से पक जाएंगे तब आपको पता लगेगा। अभी ये दिख रहा होगा आपको। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बारीक काट कर हरा धनिया को ले लिया है, इसे भी हम इसके साथ ही डाल देंगे। दाल को एक बार हरा धनिया के साथ में फिर से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हमने दाल को दो मिनट तक मीडियम टू लो गैस पर पका लिया है। हमारा दाल बिल्कुल रेडी है। तो जी आप भी बेसन और दाल की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।